गुरुवार 12 दिसंबर को महापौर सीताराम जायसवाल का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। महापौर के एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान होने वाली उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कुल 199 पार्कों में 18 अमृत योजना स्वीकृत है, जिसमें 7,36,00,000 रुपये से 8 पार्क निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,257 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 7,528 लोगों को भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है। 3604 भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। महानगर में कुल 115 बेड के 6 रैन बसेरा हैं, साथ ही 236 बेड के 2 रैन बसेरे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, गंजू भाई पांडे जी इस गेट को बंद करवाए, खुलवा देते हैं प्रशासन को। नहीं तो जो मार्केट हो गया तो यहाँ गेट बंद हो गया। एडीएम सिटी फोन करते हैं, कोई घाट पे हो नहीं, गेट बंद हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा। हाँ जब आदमी आई भी नहीं करेंगे, क्या उपलब्धियाँ रही आपके कार्यक्रम? 12 दिसंबर को 1 साल पूरा हो चुका है। गोरखपुर महानगर के अंतर्गत बहुत सारे काम हुए हैं और भी कुछ काम करने बाकी हैं, जिस पर नगर निगम कार्रवाई शुरू कर दिया और काम जल्द ही जो बाकी बचे हैं पूरे हो जाएं। अभी तक जो काम पूरे हुए हैं इसमें गोरखपुर में 199 पार्क हैं हमारे, जिसको सरकार ने पैसे दिए हैं, जिसमें हम 18 पार्कों का सुंदरकरण, कुछ का काम पूरा कर चुके हैं और कुछ का काम जो बड़े ही तेजी से चल रहा है, 1-2 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम शहर को पर्यावरण से बचाने के लिए पार्कों को सुंदरीकरण में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,557 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 7,528 लोगों के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। 3604 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये 1 साल के अंदर की उपलब्धियां हैं, और भी जो लोगों के आवेदन आ रहे हैं उस पर हम लोग भेज रहे हैं सरकार के पास, उस पर भी जो बाकी बचे हैं उनको भी पैसा मिल जाएगा। पत्र प्रकाश में EESL कंपनी द्वारा गोरखपुर में नगर निगम क्षेत्र में 33,200 LED लाइटें लगाई गई है। 8,014 नई LED लाइट लगानी है, जिसको हम लोगों ने कर कार्यकारिणी में पास कर दिया है और 1 महीने के अंदर वो लाइटें लग जाएगी, हमारा शहर का हर कोना उजाला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जलकल विभाग में 50 करोड़ रुपए सरकार ने अभी आवंटित किए हैं, जो वार्ड हमारा पिछड़ा है या आउटसाइडर है वहाँ पर 11 बड़े नलकूप और 4 ओवरहेड टैंक और 173 किलोमीटर की वाटर सप्लाई पाइप हम बिछाने के जिस जा रहे हैं। ये पैसा स्वीकृत हो गया, पैसा सरकार ने हमको दे दिया। इसके अतिरिक्त रैन बसेरा, हमारे यहाँ अभी 6 रैन बसेरा कार्यरत हैं, जिसमें 115 लोगों की रहने की व्यवस्था है और 2 रैन बसेरा हमारे और बन रहे हैं। कुल मिलाकर हम 236 बेड का रैन बसेरा गोरखपुर को
दे चुके हैं और देने जा रहे हैं। शौचालय 11,000 हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं, इसका काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो मोदी जी ने हमारे चलाया है, हमारे योगी जी ने जिसके लिए धन मुहैया कराई है, 76 सार्वजनिक शौचालय एवं 60 सामुदायिक शौचालय हम गोरखपुर को नगर निगम में दे चुके हैं। जन सहयोग के गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत जितने भी चौराहे हैं उसका हम सौंदर्यीकरण कराने में कामयाब हुए हैं और इन चौराहों पर जन सहयोग से हम लोग कैमरे लगाने जा रहे हैं, जिसके शहर की सारी गतिविधियों उसमें गतिविधियों को उसमें देखा जा सके और कोई भी बैड एलिमेंट्स आकर के बिना कैमरे की नज़र में रहे और अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस को यह आसानी होगी कि उस व्यक्ति को खुद पर कार्रवाई करें। महानगर गोरखपुर के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अन्य विकास कार्यों में प्रेक्षागृह, रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण, चिड़ियाघर का निर्माण, सौदागृह का निर्माण, काला भवन का निर्माण, नगर निगम सदन भवन का निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। फर्टिलाइजर और एम जैसे बड़े प्रोजेक्ट योगी जी और मोदी जी के सहयोग से गोरखपुर में लगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है महवा माँ के सड़क के बंधे को हम सुंदरीकरण कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले लोगों को शहर का लुक वहीं से दिखाई पड़े। इसके अतिरिक्त और भी सारे काम जैसे कि जल निकासी के लिए हम लोगों ने बड़े नाले बनाए हैं। एक तो हमारा नाला बना है आपके जो मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक बहुत बड़ा नाला है, इस पर 16-17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इससे शहर की जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त बेतिया हाता में भी 1-2 करोड़ रुपए के लागत से हम लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था की है और बड़े नाले बनाए हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं और भविष्य में हमारी योजनाएं जो हैं, जो सड़कें हमारे वार्डों में जो पार्षदों की मांग है 70 वार्डों में, उसकी DPR मान विभागीय मंत्री और योगी जी के निर्देश में हम लोगों ने सरकार को बना करके भेज दिया है। उसमें जैसे ही पैसा आएगा कोई भी वार्ड की सड़कें गड्ढा रहित हो जाएगी और उसको हम लोग स्वच्छ और सुंदर बना करके जनता को जल्द ही समर्पित करेंगे।